कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के इस देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पार्टी की ये कवायद भारत जोड़ो के जरिए कांग्रेस जोड़ो की भी है। पार्टी इसके जरिए पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश में है। राहुल गांधी और कांग्रेस इस यात्रा के जरिए 2024 चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी और लगभग 150 दिनों की इस पदयात्रा में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में छोटे स्तर पर भारत जोड़ो यात्राएं निकाली जाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तनकारी राजनीति के लिए है। कांग्रेस ने यात्रा को लेकर पीएम पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं बल्कि जनता के लिए चिंता है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं दिखेगा, इसकी बजाय तिरंगा दिखेगा। यात्रा का मकसद समाज से नफरत खत्म करना बताया गया है। यात्रा के दौरान कुल 3500 किलोमीटर लंबा सफर होगा। इसमें चिन्हित 118 यात्री प्रतिदिन औसतन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 118 भारत यात्रियों में राहुल गांधी समेत 9 नेता 51 से 60 साल की उम्र के हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।